हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि राधे श्याम और वली माई की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। जी हाँ, इस बात पर एक लाइक तो मिलना ही चाहिए। कुछ और फिल्मों की रिलीज डेट कंफर्म हुई है, वहीं कुछ फिल्मों की रिलीज डेट को चेंज किया गया है। सबसे पहले प्रभास की मच अवेटेड फिल्म राधे श्याम की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। ये फिल्म 11 मार्च को रिलीज होगी। जी हाँ, पिछले फिल्मी टॉक में भी हमने आपको बताया था कि राधे श्याम 11 मार्च को ही रिलीज होगी, लेकिन उस टाइम ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। तो ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि राधे श्याम 11 मार्च को रिलीज हो रही है। साथ ही वली माई की रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है। ये फिल्म इसी महीने 24 फरवरी को रिलीज होगी। फिल्म का एक पोस्टर रिलीज किया गया है, जहां फिल्म के रिलीज डेट के साथ ये भी बताया गया है कि ये फिल्म कितने भाषाओं में रिलीज होगी। तो जी हाँ, एक और साउथ की फिल्म हिंदी में आ रही है। ये अजीत कुमार की पहली फिल्म होगी जिसे हिंदी डब में थिएटर में रिलीज किया जा रहा है। तो देखते हैं हिंदी ऑडियंस के बीच फिल्म का रिस्पॉन्स कैसा होता है। और अमिताभ बच्चन की मच अवेटेड फिल्म झुंड की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। काफी टाइम से रुकी हुई ये फिल्म 4 मार्च को रिलीज होगी। जी हाँ, 2019 में रिलीज होने वाली ये फिल्म अभी साल 2022 में रिलीज हो रही है। ये एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसे नागराज मंजुले ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की कहानी विजय बरसे जी की जिंदगी से इंस्पायर्ड है। काफी खास फिल्म है जिसे आप सबको जरूर देखनी चाहिए। रवि तेजा की अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म रामा राव ऑन ड्यूटी की 2 रिलीज डेट अनाउंस की गई है। या तो ये फिल्म 25 मार्च को रिलीज होगी या फिर 15 अप्रैल को रिलीज होगी। 25 मार्च को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उस दिन RRR फिल्म रिलीज हो रही है। तो देखते हैं रामा राव ऑन ड्यूटी की फाइनल रिलीज डेट क्या होती है। साथ ही घनी की भी 2 रिलीज डेट अनाउंस की गई है। वरुण तेज की ये फिल्म या तो 25 फरवरी को रिलीज होगी या फिर 4 मार्च को रिलीज होगी। ये एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसे किरण कोरापति ने डायरेक्ट किया है। तो देखते हैं इस फिल्म की भी फाइनल रिलीज डेट क्या होती है। साथ ही सूर्या की अपकमिंग फिल्म इथारकुम थुन्नी धवन की रिलीज डेट भी चेंज हो गई है। पहले ये फिल्म 4 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस फिल्म को 10 मार्च को रिलीज किया जाएगा। तो लगभग साउथ की सभी बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है। देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। और डीसी की मच अवेटेड फिल्म द बैटमैन का 4 कैरेक्टर पोस्टर रिलीज किया गया है। ये फिल्म अगले महीने 4 मार्च को रिलीज होगी। साथ ही ये भी कंफर्म हो गया है कि अपकमिंग साईफाई थ्रिलर फिल्म मूनफॉल इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु में 11 फरवरी को रिलीज होगी। फिल्म के हिंदी ट्रेलर को भी रिलीज किया गया है। अगले खबर की बात करें तो नेटफ्लिक्स इंडिया ने ये काली काली आंखें का 2रा सीजन अनाउंस कर दिया है। जी हाँ, साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज ये काली काली आंखें का 2रा सीजन बहुत ही जल्द आने वाला है। रूमर की माने तो इस सीरीज के 2रे सीजन की शूटिंग पहले सीजन के साथ ही कंप्लीट हो गई थी। हालांकि ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन कहा गया है कि 2रा सीजन बहुत ही जल्द आएगा। तो देखते हैं कि भाई इस 2रे सीजन में विक्रांत के साथ क्या होता है। क्या वो किडनैपर को 100 करोड़ रुपए दे पाएगा या फिर विक्रांत का राज खुल जाएगा। देखते हैं 2रे सीजन में क्या होता है। गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर 4 फरवरी को रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म 25 फरवरी को रिलीज होगी। और अल्लू अर्जुन की अपकमिंग हिंदी डब फिल्म अला वैकुंठा पुरामलु की रिलीज डेट चेंज कर दी गई है। जी हाँ, एक बार फिर से फिल्म की रिलीज डेट चेंज हो गई है। अब इस फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है 13 फरवरी को रात 8 बजे ढिंचाक टीवी चैनल पर। ये दूसरी बार है जब फिल्म की रिलीज डेट को चेंज किया गया है। पहले ये फिल्म 26 जनवरी को थिएटर में रिलीज होने वाली थी, बाद में ये फिल्म 6 फरवरी को टीवी पर आने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म 13 फरवरी को टीवी पर देखने को मिलेगी। तो देखते हैं कि इस बार क्या होता है। आयुष्मान खुराना की अपकमिंग थ्रिलर ड्रामा फिल्म अनेक की रिलीज डेट भी चेंज हो गई है। पहले ये फिल्म 31 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म 13 मई को रिलीज होगी। जी हाँ, इस फिल्म को अनुभव सिन्हा ने डायरेक्ट किया है, जिसमें आयुष्मान खुराना लीड रोल में नजर आएंगे। हुमा कुरैशी की अपकमिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज मिथ्या का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया है। ये सीरीज 18 फरवरी से G5 पर देखने को मिलेगी। ट्रेलर काफी अच्छा लग रहा है, तो देखते हैं कि सीरीज कैसी होती है। रामचरण और शंकर की अपकमिंग फिल्म RC15 के अगले शेड्यूल की शूटिंग फरवरी के सेकेंड वीक में स्टार्ट होगी। फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग पहले ही पूरी हो चुकी है, तो बहुत जल्द अगले शेड्यूल की शूटिंग स्टार्ट होगी। ये फिल्म 2023 में संक्रांति के मौके पर रिलीज होगी।
द मैट्रिक्स 4 अब बुक माई शो पर अवेलेबल है। फिल्म को हिंदी, तमिल और तेलुगु में आप बाय और रेंट पर देख सकते हैं। और अगर देख लिया है तो मैट्रिक्स 4 आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।